रेलवे स्टेशन में मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम से बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर अब समाज के लोगों ने स्टेशन पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बाबा साहब के अनुयायियों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक में मंगलवार को मुख्य टिकट निरीक्षक के रूम में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वीपी नायडू के द्वारा हटवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुस्साए समाज के लोगों ने पहले तो मोहन नगर थाने का घेराव किया, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर दोषी पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली। इसके बाद आग की तरह फैली खबर के बाद भाजपा पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में गुस्साए भीड़ ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी थाने के आगे जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही जमीन पर बैठकर अपना आक्रोश जताया। दूसरी बात, कल आपके सामने में डीएसपी मैडम आए और उन्होंने झूठ बोले के चले गए कि मैं एक्शन लूंगी, और अब थाने में जब गए तो हमको ये बोला गया कि वो हमारे थाने के अंदर ही नहीं आता। तो मतलब उसके बाद में एडिशनल महोदय आए, एडिशनल एसपी महोदय आए, उन्होंने आज एसपी महोदय से बात करने की बात की, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि वो हमारे अंदर। तो बार बार समाज को गुमराह क्यों किया जाता है? ग्रुप पुलिस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, समाज नाराज है, नाराज इसलिए है क्योंकि बार बार प्रशासन के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं हमारे से। हमने किसी ने नहीं बुलाया, उनको भी हो गया होगा, तो उनको आके झूठ नहीं बोला के चलते नहीं आए। देखिए, जैसे कि सभी को मालूम है कि रेलवे स्टेशन दुर्ग का प्लेटफॉर्म नंबर एक पे बाबा साहब के छाया चित्र के साथ में कल सुबह उनको अपमानित किया गया, उनको डस्टबिन में उनके फोटो को फेंका गया, जिससे पूरा समाज आक्रोशित था। रेलवे स्टेशन में जब हमने इस बात की मांग की है तो जीआरपी थाने ने हमारा रिपोर्ट को नहीं लिखा, और उसी वक्त मोहन नगर थाने की जो टीआई अभी प्रभारी आकांक्षा पांडे मैडम है वो आई और उन्होंने कहा कि मैं दो दिन के अंदर एक्शन लूंगी, है ना। जब उसके बाद शाम को फिर हम वहाँ गए कि मैडम हमारा एफआईआर को लिखा जाए, उस टाइम मैडम गायब थी, वहाँ पता चला कि जीआरपी जो था रेलवे उनके अंदर ही नहीं आता। अब उसी समय में एडिशनल एसपी महोदय झा जी आए और झा जी ने कहा कि कल मैं एसपी महोदय के साथ में आपकी मीटिंग करा दूंगा। तो हमने कहा कि एक रेलवे के अधिकारी को भी बुला लीजिए, एसपी महोदय को भी बुला लीजिए, एक मीटिंग करा दीजिए। उन्होंने कहा कि एसपी महोदय काफ़ी है, आप आ जाइए जरूर। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे वापस फिर से हमसे झूठ बोला जा रहा है, बोल रहा है कि वो हमारे अंदर में नहीं आता तो एसपी महोदय भी क्या करेंगे। तो बताइए, आम जनता जो है अपने मांग को लेके, न्याय की मांग को लेके आखिर जाए तो जाए किसके पास में? जिस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है उसी के अनुयायी आज न्याय के लिए भटक रहे हैं, कितने शर्म की बात है ये। तो हमारी एक मांग है कि जिस महिला ने बाबा साहब के का अपमान किया है, इस देश का अपमान किया है, यह लोकतंत्र का अपमान किया है, उस महिला के खिलाफ धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, साथ में देशद्रोह का मामला भी चलाया जाए
उसके साथ साथ उसको उस महिला को तत्काल उसके पास से बहिष्कार। अभी आपके आगे की क्या रणनीति है? देखिए अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन दुर्ग में, हम जीआरपी थाने में घेरा घेराव करेंगे और हम मांग करेंगे कि एफआईआर जो है लिखित में लिया जाए। यदि बाय द वे हमारे मांग को नहीं किया जाता, एफआईआर नहीं लिया जाता, तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। बाबा साहब की मान सम्मान की बात है, इस पूरे बहुजनों के मान सम्मान की बात है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और यदि ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा, समाज नहीं। मुख्य द्वार पे, रेलवे के मुख्य द्वार पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो चित्र लगा हुआ था, उसको नायडू मैम जो तिथि है वो आती है 14 अप्रैल के दिन, आप समझिए इतना गरिमामय दिन था, उस दिन वो उस फोटो को निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, हमारे समाज के कई कर्मचारी, उन्होंने देखा और उन्होंने हमको सूचना दिया, पूरे समाज उठ करके वहाँ पर आया। आकांक्षा मैडम जी आती है मोहन नगर थाने से, वो बोलती हैं कि मैं देख लूँगी, और वो हम लोग को यहाँ से पूरे जितना हम लोग का काफिला था उस काफिले को लेकर के मोहन नगर थाने ले आएंगे। मोहन नगर थाने में उन्होंने बोला कि हमको 2 दिन का समय दीजिए, दो दिन में हम लोग उनको एफआईआर करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। कोई भी एक्शन रिएक्शन किसी प्रकार से नहीं हुआ। देन हम रात में मोहन नगर थाने का घेराव किए, मोहन नगर थाने में गए, वहाँ पर आकांक्षा मैडम जी नहीं आई, उन्होंने संबंधित एडिशनल एसपी जी को वहाँ भेजा, उन्होंने आया और एडिशनल एसपी साहब ने हमको साफ कर दिया कि आकांक्षा मैडम जी अभी ट्रेनिंग में है। उन्होंने गलती से, समझना मेरी बात को, मैं पत्रकार बंधुओं से आपसे बोल रहा हूँ, उन्होंने ये एडिशनल एसपी का बयान था, मैंने लोड नहीं किया क्योंकि थाने में फोटो वीडियो नहीं बनता। एडिशनल एसपी आकर के ये बोलते हैं कल 12 बजे एसपी से मैं आपकी बैठक करा दूंगा, आप लोग आपस में बैठ जाना। आकांक्षा मैडम जी ने त्रुटि बस वो बोल चुकी थी वहाँ पर कि मैं ये कार्य क्षेत्र मेरा है और मैं इसको सॉल्व कर दूँगी करके, और नायडू मैडम से माफ़ी मंगवा करके प्रतिमा को वापस लगाऊंगी, ऐसा करके उन्होंने बोला था। पर ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार से किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज चूँकि हमको 12 बजे बोला गया था, हम पूरा का पूरा हम लोग का समाज कोर्ट परिसर गए, एसपी थाना गए, एसपी थाने में हम जाते हैं वहाँ पर ना एडिशनल एसपी और एसपी साहब लोग साफ तौर से बोल देते हैं यह कार्य हमारे क्षेत्र का नहीं है, हमारा प्रभार नहीं है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप रेलवे स्टेशन तो हम लोग सभी के सभी आज रेलवे स्टेशन में आए हुए हैं और हम जीआरपी थाने से, रेलवे प्रशासन से यह अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि नायडू मैडम को तुरंत उसको निष्कासित किया जाए और उनको आज के आज उनकी गिरफ्तारी किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो मैं और मेरा समाज यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से हिलेगा नहीं, यहाँ से टूटेगा नहीं, हमको गिरफ्तारी आज के आज चाहिए। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।